नमस्कार दोस्तों, जो गलती आज से 50 साल पहले सोवियत संघ ने किया था, सेम टू सेम गलती वर्तमान के रशिया ने दोहराया है। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। 1950 के दौरान कोई भी देश जब अमेरिका से दोस्ती करता था, उस समय सोवियत संघ उससे नाता तोड़ता था, बोलता था कि एक देश या तो हमारा साथ दो या फिर मेरा मित्र बनो या फिर अमेरिका का। जो अमेरिका का मित्र बनेगा वो मेरा दुश्मन होगा। दोस्तों, सोवियत संघ ने ऑलरेडी बहुत सारा दुश्मन पा लिया, यानी कि जो देश थोड़ा भी अमेरिका से संबंध बनाता था सोवियत संघ से दोस्ती तोड़ता था, अपना रिश्ता तोड़ता था। और दोस्तों, अंत में धीरे धीरे सोवियत संघ अलग थलग पड़ गया और यही कारण कि 1991 में सोवियत संघ खंडन में टूट गया। दोस्तों, रशिया भी आज सेम टू सेम गलती कर रहा है। रशिया ने अब तक का सबसे खतरनाक गलती किया है। पुतिन को दोस्तों 20 साल बाद भी दोस्तों पछतावा हो कि हमने क्या गलती 2020 में किया था। दोस्तों, इस चीज का इतिहास गवाह रहेगा कि पुतिन ने कितना बड़ा ब्लंडर 2020 में कर दिया है। पुतिन ने भारत को ठुकराया है, मोदी को ठुकराया है। बड़ी बात तो यह है कि भारत से हर संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। वर्तमान में आज पूरे दुनिया हैरान है कि आखिरकार ये पुतिन कर क्या रहा है। दोस्तों, पहले हमको लगता था कि पुतिन एक बहुत ही गंभीर नेता है, पुतिन एक बहुत ही अच्छा समझदार नेता है, मजा हुआ खिलाड़ी है, लेकिन दोस्तों ये सब बिल्कुल ही बकवास निकला। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जो इंसान चुप रहता है, जो शांत स्वभाव का रहता है, वो बेहद ही बुद्धिमान होता है, लेकिन यहाँ पे पुतिन ने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया है, मूर्खतापूर्ण काम कर दिया है। इस चीज़ के लिए रशिया को 20 साल नहीं 50 साल दोस्तों भरपाई करना होगा, क्योंकि रशिया ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अपना सच्चा मित्र भारत को खासतौर पे ओपनली धोखा दे दिया है और खासतौर पे हर संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं ना, रशिया और भारत के बीच दोस्तों हर साल एक एनुअल समिट होता है, यानी कि बायलेटरल मीटिंग होता है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड रहा है, पिछले 20 साल से लगातार हुआ है। कह सकते हैं कि 20 साल में दोस्तों एक बार भी बाधा नहीं बना है, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो या फिर दुनिया में कुछ भी हो जाए, हलचल मच जाए, लेकिन पुतिन और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के बीच हमेशा मीटिंग हुआ है। ये रिकॉर्ड रहा, यानी कि रशिया के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में लगातार 20 सालों से मीटिंग होते आया हुआ है, चाहे कोई भी चीज हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो मीटिंग पहली बार, यानी कि 20 साल के बाद पहली बार दोस्तों वो रद्द हो चुका है। भारत ने ऐलान कर दिया है, रूस ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई मीटिंग नहीं हुआ, रूस से कोई बायलेटरल मीटिंग नहीं होगा, एनुअल समिट सब कुछ खत्म। दोस्तों, आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ है? और यहाँ पे रूस ने जो गलती किया है ना, रूस को हमेशा पछतावा होगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत को दोस्तों आज बहुत बड़ा दर्द मिल रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सामने में बोलता था कि हमेशा हमारा साथ केवल रशिया देगा। दोस्तों, भारत सबको सीना ठोक के बोलता था कि तुम चाहे मुझे धोखा दे दो, लेकिन रूस हमें धोखा नहीं देगा। दोस्तों, भारत को आज सदमा लगा है कि रशिया भी हमें धोखा देकर चला गया। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है। और एक तरह से देखा जाए तो भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कह सकते हैं कि जो काम मोदी जी पिछले 5 साल से करना चाह रहा था, वही काम रूस ने खुद कर दिया है। दोस्तों, रूस ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया। हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अरबों खरबों का फायदा दोस्तों अब होने वाला है। तो आप लोग पूरा खबर देखिए और एक एक पॉइंट जानिए। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से रूस क्या क्या बयान दे रहा था। रूस बोल रहा था कि भारत यूरोप का गुलाम है, भारत पछुए देशों का गुलाम है, वो जो बोलता है वो करता है, भारत का अपना कोई विदेश नीति है ही नहीं, भारत को अमेरिका ब्रिटेन सब नचा रहा है, भारत बहुत ही पछताएगा, ये क्वाड क्या है, क्वाड कुछ नहीं है, भारत को बलि का बकरा बना रहा है। दोस्तों, ये बात रशिया के विदेश मंत्री खुद खासतौर पर बोल रहा था। कह सकते हैं कि ये बात दोस्तों इसी महीना का है। दोस्तों, पूरे दुनिया चौंक गया कि रशिया आखिर बोल क्या रहा है। रशिया तो हद ही पार कर दिया, भारत को बलि का बकरा बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत ने रशिया को बोला कि इस तरह का बयान ना दे, आप अपने हरकत में रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया यहाँ तक कह दिया कि भारत में जो आज हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है, जो चीन के खिलाफ बोला जा रहा है, ये सब बिल्कुल ही अफवाह है, फेक है। चीन उतना खराब देश नहीं है जितना भारत बोल रहा है। भारत में आज अति राष्ट्रवादी हो चुका है, लोग चीन से नफरत करता है। भारत सरकार ये क्या कर रहा है, बायकॉट चाइना, बायकॉट एप्लीकेशन, ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास है। चीन को परखना चाहिए, चीन अच्छा देश है, चीन को समझना चाहिए। दोस्तों, रशिया यहाँ पे भारत को ही दोषी बना दिया, चीन को ऊपर उठा दिया, बोल दिया कि चीन कुछ नहीं कर रहा है, ना तो कोई लद्दाख का इशू है, ना ही कोई अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है, और ना ही कोई चीन से भारत का युद्ध होगा। यानी कि दोस्तों, रशिया ने चीन का ओपनली समर्थन किया, भारत को यहाँ पे घेरा। अब दोस्तों,
इन सब के अलावा दो दिन पहले की बात है, रशिया ने ओपनली कह दिया कि अब हम पाकिस्तान से संबंध बनाएंगे, भारत को जो करना है कर ले, हमसे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो या फिर कोई भी हो, हम सबसे संबंध बनाएंगे, भारत को क्या समस्या है, पाकिस्तान को हम हथियार बेचेंगे। दोस्तों ये बात आज से दो दिन पहले का है, यानी कि रशिया खुद ही अपने आप बोल रहा था, भारत यहाँ पे बिल्कुल ही चुप था, भारत कुछ नहीं बोला था दोस्तों, भारत कुछ नहीं बोला था, रशिया भारत को उसका रहा था, रशिया भारत पे दबाव बनाना चाह रहा था। कह सकते कि जो रशिया हमसे अरबों डॉलर कमाता है दोस्तों, हर साल कमाता है, कई बिलियन डॉलर कमाता है, केवल हम लोग हथियार खरीदते हैं, रशिया उसी से अपना जीवन यापन करता है, रशिया में हजारों लोग दोस्तों नौकरी करता है, हथियार बेचता है और भारत उसे खरीदता है, वही रशिया हमको ब्लैकमेल कर रहा था और भारत को धमका रहा था। लेकिन अब की बार जो हुआ है ना, कह सकते कि ये तो हद पार हो गया है दोस्तों। एक एनुअल समिट जो हर साल होता था, कह सकते थे कि 20 साल से हो रहा था, वो उसको भी अब रद्द कर दिया, बोल दिया है कि अभी हम नहीं करेंगे, अभी तो कोरोना वायरस हो चुका है। दोस्तों बहाना कितना सिंपल दिया है, बोल दिया है कि अभी तो कोरोना वायरस आ चुका है, हम कैसे ये मीटिंग कर सकते हैं, जबकि पूरा दुनिया जानता है कि कोरोना वायरस होने के बावजूद भी दुनिया के तमाम बड़े बड़े मीटिंग हुआ, चाहे G20 हो या फिर भारत अमेरिका क्वाड का मीटिंग हो, दोस्तों दुनिया में बहुत सारे मीटिंग हुआ है जो वर्चुअल मीटिंग हुआ, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ है। दोस्तों रशिया चाहता तो ये मीटिंग कर सकता था, क्योंकि भारत और रशिया का ये मीटिंग बहुत ही जरूरी था, 2000 ईस्वी के बाद लगातार 20 साल तक होते रहा, कहीं भी कोई टूट नहीं हुआ, लेकिन 20 साल बाद रशिया ने उसी एनुअल समिट को तोड़ दिया और रद्द कर दिया। आप कह सकते हैं कि रशिया का मन भारत के खिलाफ कितना जहर बन चुका है। दोस्तों रशिया अब सब कुछ दिखा रहा है, अपना रंग दिखा रहा है, गिरगिट चाल चल रहा है, और बड़ी बात तो यह है कि रशिया को पता होना चाहिए कि ये जो चाल चल रहा है ना, उससे भारत को ही फायदा होने वाला है, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी दोस्तों पूरे दुनिया रशिया पे प्रतिबंध लगा चुका है, खासतौर पे जब से रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया, उस समय चाइना भी रशिया का साथ नहीं दिया था दोस्तों, लेकिन भारत ने क्रीमिया मुद्दा पे रशिया को साथ दिया था, रशिया को बचाया भी था, और बड़ी बात तो यह कि रशिया तब से बदनाम है, पूरे दुनिया बोलता है कि रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, जितना भी बदमाश देश है, जितना भी गुंडा देश है, जितना भी खतरनाक देश है, चाहे रशिया हो या फिर ईरान हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या फिर चीन हो, ये सब बदमाशों का एक ग्रुप बन चुका है, और दोस्तों उस ग्रुप में केवल सब भारत को बोला था कि भारत उससे बाहर निकल जाए, भारत रशिया का साथ छोड़ दे। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया बोला था, दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोला था कि भारत बदमाशों का ग्रुप छोड़ दे, क्योंकि रशिया के साथ जाने से भारत का इमेज खराब होता है, और यही कारण है कि यूरोप का कोई भी देश भारत पर भरोसा नहीं करता है, और यूरोप का बहुत सारे कंपनी भारत में अपना इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत लगातार रशिया से संबंध बनाए रखता है और रशिया से हथियार खरीदता है। दोस्तों कह सकते हैं कि भारत को रशिया कारण से बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो रहा था। इतना है ना दोस्तों, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का सरकार आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खूब धमकाया, बोला कि अगर अब तुम रशिया से हथियार खरीदते हो तो तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। दोस्तों पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहा था, भारत को धमका रहा था, लेकिन फिर भी भारत ने 2016 के बाद अमेरिका से लड़ते हुए रूस से हथियार खरीदना जारी रखा, खासतौर पर अपना दोस्ती निभाया। भारत ने साफ कह दिया कि अमेरिका मेरा वर्तमान का दोस्त है, रूस तो मेरा सदियों पुराना मित्र है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, जान तक दे देंगे। दोस्तों भारत ने यह कहा था, बोला था कि हम रशिया से हथियार खरीदेंगे। दोस्तों ये बात रूस भी जानता है कि भारत में आज वो काबिलियत है, DRDO वो सक्षम है कि आज कोई भी हथियार बना सकता है, और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, उस समय अमेरिका है, फ्रांस है, इजराइल, सब भारत को ओपनली ऑफर दे दिया कि आप रशिया से हथियार मत खरीदिए, आप हमसे हथियार खरीदिए। दोस्तों ये बात इजराइल भी बोला, अमेरिका ने बोला और फ्रांस भी बोला कि आपको जो खरीदना खरीदिए, रशिया से कहीं गुना खतरनाक हथियार आप हमसे ले और कम दाम में ले, क्योंकि रशिया आपको ब्लैकमेल करता है, दोस्त बनाकर धोखा देता है, लेकिन आपको हम कम दाम में देंगे, आप हमसे मित्रता कीजिए। दोस्तों ये बात फ्रांस, इजराइल और अमेरिका ने ओपनली भारत को कहा, लेकिन भारत ने फिर भी रशिया से हथियार खरीदा। DRDO ने साफ जताया कि आप रूस से हथियार मत खरीदिए, हम खुद बना लेंगे, हमें आप फंड कीजिए, लेकिन दोस्तों भारत ने फिर भी रूस से हथियार लिया, क्योंकि भारत चाहता था कि रूस को यह फील ना हो कि आज पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, तुर्की हो, हमारे खिलाफ है, भारत हमारे खिलाफ ना है। यानी कि दोस्तों भारत रूस को ये फील करवाना चाहता था कि ये महसूस करवा रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हथियार खरीदेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी हथियार क्यों ना आ जाए, हम तुमसे हथियार तो कम से कम 50% अधिक खरीदेंगे। दोस्तों भारत रूस को ये फील करवा रहा था और रूस के GDP को बढ़ा रहा था, वहाँ पर भुखमरी आने से रोक रहा था, खासतौर पर रूस की अर्थव्यवस्था को चमका रहा था। लेकिन उसी रशिया ने दोस्तों क्या किया, विश्वासघात किया है, भारत को
ब्लैकमेल किया है, चीन का साथ दिया है। रूस को लगता था कि भारत झुक जाएगा, हमारे कदमों में आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रूस के इस गलती से भारत को और फायदा होने वाला है। दोस्तों आप जानते हैं भारत अब वहाँ पे स्वतंत्र हो गया। भारत अब सबको बोला कि देखो भाई, हमने रूस को धोखा नहीं दिया, रूस ने हमें धोखा दिया। दोस्तों भारत के पास अब कहने के लिए पॉइंट बन गया। भारत अब दुनिया में कहीं भी जाएगा तो बोलेगा कि देखो कभी हम दोस्ती तोड़ते नहीं है, लेकिन रशिया ने हमसे दोस्ती तोड़ा है, हमें धोखा दिया है। अब दोस्तों भारत स्वतंत्र है। अब भारत चाहे तो रूस से कोई भी हथियार ना खरीदे तभी चलेगा। अब भारत चाहे तो अमेरिका से हथियार खरीदे, इजराइल से खरीदे, या फिर फ्रांस से खरीदे, या फिर खुद बनाए। अब रूस दोस्तों यहाँ पे बोलने लायक रहा ही नहीं। रूस का अब मुंह काला हो चुका है। रूस दोस्तों अब क्या बोलेगा? पहले बोलता था कि हम आपके साथ हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब रूस को तो बोलने का हक ही नहीं रहा। अब भारत ओपनली बोले कि भाई तुम किस मुंह से बोल रहे हो, तुम एक तरफ हमें घेर रहे हो, दूसरी ओर चीन का साथ दे रहे हो, तीसरी ओर हमें खासतौर पर यूरोप का गुलाम बोल रहे हो, और हम तुम्हारा हथियार कैसे खरीदें? यानी कि दोस्तों भारत अब ओपनली बोले कि हम तुम्हारा हथियार ना खरीदेंगे, तुम्हारा शरीर हथियार ना खरीदेंगे, एक रुपया की चीज़ 5 रुपया में ना खरीदेंगे, हम खुद बनाएंगे, कहीं भी खरीदें, तुम्हारा इससे क्या मतलब? और दोस्तों सच्चाई है, रूस में आज वो दम नहीं जो भारत को बचा सके। दोस्तों बाय द वे आज अगर भारत और पाकिस्तान युद्ध में चल जाए तो रूस कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस का हालत दोस्तों आप देख सकते हैं अर्मेनिया में। अर्मेनिया क्या किया दोस्तों? अजरबैजान अर्मेनिया को बर्बाद कर दिया, तुर्की बर्बाद कर दिया, रूस देखता रह गया। रूस क्या कर दिया? सिंपल सी बात है, रूस आज केवल गुलाम बन चुका है। पुतिन आज शी जिनपिंग का चमचा बन चुका है, और वही चाहता है भारत भी बन जाए। वो चाहता है कि भारत हमारे पीछे पीछे रहे, और हम चीन के पीछे पीछे रहे, और हम लोग मिलकर अमेरिका को घेरे। दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, भारत किसी का पीछा नहीं करेगा, भारत सबसे आगे निकलेगा। भारत पहले भी विश्वगुरु था, और एक बार फिर से बनेगा। यही बात रूस को समझ में आ चुका है, और इसीलिए जेलस हो रहा है।